ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर ने कोरोना को लेकर जिले के ताज़ा हालातों को लेकर की प्रेस वार्ता। डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर जनाब मोहम्मद इशफाक की तरफ से प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर ने जिले में कोरोना को लेकर क्या हालात हैं और प्रशासन की तरफ से क्या क्या इंतज़ाम किए गए के बारे में प्रेस को बताया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले में अब 17 केस कोरोना एक्टिव सामने आए हैं जिनका इलाज चल रहा है। इनमें से 4 केस ही गुरदासपुर में से सामने आए हैं, बाकी के रहने वाले जिले के हैं लेकिन आए बाहर से थे। वहीं उनका कहना था कि जो जिले की आम जनता में से कोरोना पॉजिटिव केस निकलकर सामने आ रहे हैं वह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और अब लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है कि वह मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें और एहतियात रखें। वहीं उनका कहना था कि आने वाले दिनों में कोरोना से लड़ने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध मुकम्मल कर लिए हैं जिसके चलते 200 ऑक्सीजन बेड का इंतज़ाम कर लिया गया है, जिसमें से 140 बेड गुरदासपुर में और 60 बेड चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज पठानकोट में इंतजाम किया गया है और जिले में रोजाना ही 500 के करीब सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इसके साथ गंभीर मरीजों के लिए अमृतसर गुरु नानक देव अस्पताल में इंतजाम किए गए हैं और पंजाब सरकार की हिदायतों के अनुसार सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज के इंतजाम किए गए हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। बाकी सारे केस एसिम्प्टोमैटिक ने, इन्हें ज्यादातर सारे केस वो ने जिहड़े के बाहरों आए ने, परंतु 4 केस सारे लोकल ने। सो इतने का आइडिया लग रहा है कि गुरदासपुर के बीच भी हुण बाकी जिले वांग लोकल इन्फेक्शन फैलनी शुरू हो गई है। तो मैं यही सारों अपील करना चाहना कि इस वेले अपन बहुत ज्यादा लोड़ है एहतियात वरतन की। एक तो जिहड़े असले आम पब्लिक है उन्होंने मैं अपील करना कि भावें बाजार खोल दिते ने, सब कुछ खोल दिता है, परंतु बिना किसी काम तो बाहर ना जाओ। जिवें पंजाब सरकार ने मिशन फतेह स्टार्ट किया है, वो जो कहा गया भी हर बंदा मास्क पा के जाए, बाहर ना थुके, अपने हैंड सैनिटाइज करे, उन्होंने नियमों की अपना पालना करिए। शिमला शहर के दुकानदार भरा ने, उन्होंने मैं बेनती करना कि अपनी दुकान के सैनिटाइजर का प्रबंध रखन, मास्क लगा के रखन और दुकाना वेंटीलेशन करके रखन, एग्जॉस्ट फैन लगा लैन और जो अपने सेल्समैन ने असी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है साढ़े SDM डेरा प्रबंधन द्वारा, जो सारे जिले वास्ते किया गया इंचार्ज ने, वो कि जो उन्होंने सेल्स पर्सन ने या जो अपने काउंटर मैनेज करते हैं उन्होंने ट्रेनिंग दवानी इन गलों बारे। सो ट्रेनिंग साड़ी शुरू हो रही है, वो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन्होंने ज्वाइन करन, असी जो बंदा टैसट पास करेगा उन्होंने सर्टिफिकेट भी देंगे और वो सर्टिफिकेट अपना डिस्प्ले भी कर सकता है और बाद जो लोड़ पई 15-20 दिन के बच्चे असी उन्होंने कंपलसरी भी कर देंगे, पर वो करा उदो जो साढ़े को सफिशेंट नंबर ऑफ पीपल ट्रेन हो जाएंगे, कि ये ना हो सा कारोबार जो रुक जाए। सो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म जो असी फॉलो कर रहे हैं तो गलत धारणा कई बार ये भी आती है कि जी सोशल डिस्टेंसिंग पर किल्ता बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं है। 40 बैड गुरदासपुर ने, 60 बैड सी चिंतपूर्णी हॉस्पिटल पठानकोट लाए ने, तो ये नाल ही सामने अमृतसर ने टाइप किया हो जोड़े कोई पेशेंट ज़्यादा सीरीयस हो उसे जाएंगे। फिर असी क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाई है, जोड़े पेशेंट्स सिमटम आ जाते हैं और ऑक्सीजन की सपोर्ट लोड है, असं 200 पेशेंट इतने एडमिट कर सकते हैं। असं तकरीबन 1500 बैड की फैसिलिटी तैयार की है, ए सिमटोमैटिक पेशेंट जोड़े उन्होंने माइल्ड सिमटम ने जब बहुत घट ने उन्होंने रख सकते हैं। साड़ी टेस्टिंग फैसिलिटी है, असं 50 तो बढ़ा के 500 तो ले गए हैं और ये साड़े जोड़े स्टाफ है वो सारा ट्रेन हो गया। असी टेस्टिंग के लिए अपने जोड़े वो बॉक्स ले लेने जिस ताकि बार बार पीपी किट खराब ना हो, और साड़ी इस पक्षों पूरी तैयारी है, मेडिसिन की पूरी तैयारी है, मास्क पीपी किटा की शॉर्टेज कोई नहीं हैगी है, VTM वायल पूरे आ रहे हैं। तो उस पक्षों जिला पूरी तरह तैयार है कि सू जी है और असी जो केस गंभीर हो जाते हैं अमृतसर का टाइप रखा हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर के नाल, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी सरकार ने अपरूव कर दिए ने, उत्थे भी पेशेंट जा सकते हैं जो कि अपना प्राइवेट इलाज कराना चाहते हैं। तो असं पिछले 1.5-2 महीने से काफ़ी इंप्रूवमेंट की अपनी प्रिपेयरनेस के, पर मैं चाहता सीगा कि असी इस चीज़ में ना सोचिए कि हॉस्पिटल जाना ही पवे, आपां सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स नूं फॉलो करके बना अपने समाज के दुश्मना। सो जे असी टैस्ट नहीं करा रहे, देखो एक टैस्ट जिम्मे 4,500 रुपया असी फ्री करा के दिंदे हैं, पर जे भी समाज च ना फैले तो जिहड़ा लोग शख्स इतना करवाउंदा है
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 107 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਵੋਲੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆ।